मोदी और योगी राज में बदल गई काशी की किस्मत। सैकड़ों साल बाद गलियों से आजाद हुआ बाबा का दरबार। विरोधी अखिलेश ने भी बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। मोदी के बनाए कॉरिडोर पर क्या बोल गए अखिलेश? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। एक वक्त था जब बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार गलियों में जकड़ा रहता था। उन संकरी गलियों से गुजरकर बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकना पड़ता था। कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने बाबा विश्वनाथ को गलियों के जंजाल से आजाद नहीं कराया। किसी सरकार ने ये कदम उठाया तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, जिसने एक तरफ जहां काशी का कायाकल्प किया तो वहीं दूसरी तरफ भव्य कॉरिडोर बनवाकर बाबा काशी विश्वनाथ को गलियों के जंजाल से आजाद कराया। और आज इस भव्य कॉरिडोर में जब मोदी विरोधी अखिलेश यादव ने खुद कदम रखा तो क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ये बात नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में उस वक्त कही थी जब उन्हें पहली बार महादेव की काशी से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला था। काशी की जनता जनार्दन ने उन्हें जहां भारी वोटों से जिता दिया तो वहीं देश में भी मोदी सत्ता में आ गए और शुरू हो गया देश के साथ साथ काशी का भी कायाकल्प। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए और साल 2019 में एक बार फिर पीएम मोदी जहां काशी से चुने गए और देश में उनकी सरकार लौट आई, जिसके बाद शुरू हुआ बाबा काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प। खुद पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में भव्य कॉरिडोर की नींव रखी और साल 2021 में ये कॉरिडोर बनकर तैयार भी हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी जब कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताना मारते हुए यहां तक कह दिया था कि वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर काशी में ही रहा जाता है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। 1 महीना नहीं, 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। एक वक्त था जब कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर तंज मारने वाले अखिलेश यादव उन्हें आखिरी समय में काशी भेजने में लगे हुए थे, और आज एक ये वक्त है जब वही अखिलेश यादव खुद मोदी सरकार के बनाए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए नजर आए। गुरुवार को काशी दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने इसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार को तमाम समर्थकों के साथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कॉरिडोर की तारीफ करने के बजाय एक मंझे हुए विपक्षी नेता के तौर पर मोदी सरकार के काम में खामियां पर खामियां गिनाने लगे और कॉरिडोर का क्रेडिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो ओरिजिनल स्वरूप वो बना रहे कॉरिडोर भी देखा आपने, कैसा लगा? देखिए, मैं अगर पत्रकार साथियों से कहूँगा सच्चाई दिखाएं तो आप सच्चाई जानते होंगे। मुझे याद है जिस समय कॉरिडोर बनने का सबसे पहला फैसला लिया गया था उस समय कैबिनेट समाजवादी सरकार की थी और जो मकान लेने की शुरुआत भी उसी समय हुई थी, लेकिन सबसे लोग कहेंगे कि उन्हीं का ठप्पा है बीजेपी का, ऐसा नहीं है। और हिस्ट्री उसको बर्बाद किया है। आप कहीं भी उन्हें देख लें, अगर कोई यहाँ आता है किसी भी जगह जाता है तो वो अपनी पुरानी हेरिटेज देखना चाहता है कि उनके पूर्वजों ने किस तरीके से सजोया था, पूर्वजों की चीजों को हमें संरक्षण कर करके अगली पीढ़ी को और कैसे बेहतर करके देके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब मैं दर्शन के लिए निकला, आपको याद होगा बाबा के
पास एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष था, वो किसने गिरा दिया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अच्छा काम करते रहना चाहिए। और सवाल ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थानों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले अखिलेश यादव ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी नहीं बख्शा और लखनऊ में चल रहे यूपी इन्वेस्टर समिट के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि अगर 27 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है तो इसमें से 5 लाख करोड़ काशी को भी मिले। बस फिर प्रार्थना करता हूँ उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। अगर उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं बाबा से कहूँगा कम से कम 20 लाख करोड़ में 5 लाख करोड़ इस काशी को भी मिल जाए। ये किसके लिए कह रहे हो? इसीलिए मैंने कहा कि बाबा के स्थान पर खड़े होकर के मैं यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ इस काशीनाथ विश्वनाथ की जगह पर, इससे पवित्र जगह और क्या हो सकती है, कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो बात झूठी न निकले। अगर 27 लाख करोड़ उन्होंने कहा है तो 27 लाख करोड़ में कम से कम काशी को 5 लाख करोड़ मिले और बाकी 22 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली बढ़ जाए। अखिलेश यादव भले ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद कॉरिडोर निर्माण का क्रेडिट लेने में लगे हुए हों, मगर यूपी के साथ साथ पूरे देश की जनता ये बात जानती है कि मोदी सरकार में ही ये भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है और इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद कमाई भी बंपर हो रही है। यकीन नहीं होता तो बीते एक साल का आंकड़ा देख लीजिए। दिसंबर 2021 में जहां पीएम मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो वहीं इसके एक साल बाद यानी दिसंबर 2022 तक इस कॉरिडोर को देखने के लिए देश विदेश से 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जो पहले के मुकाबले 12 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस एक साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान भी मिला है। कॉरिडोर के अलावा मोदी सरकार ने काशी में जहां नमो घाट का निर्माण किया है तो वहीं आज गंगा घाट के उस पार टेंट सिटी का भी निर्माण हुआ और बैलून से लोगों को काशी निहारने का मौका भी मिल रहा है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार में कितनी बदल रही है काशी। बहरहाल मोदी राज में बदलती काशी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। बना रहे कॉरिडोर भी देखा आपने, कैसा लगा? मैं अगर पत्रकार साथियों से कहूँगा सच्चाई दिखाएं तो आप सच्चाई जानते होंगे। मुझे याद है जिस समय कॉरिडोर बनने का सबसे पहला फैसला लिया गया था उस समय कैबिनेट समाजवादी सरकार की थी और जो मकान लेने की शुरुआत भी उसी समय हुई थी, लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि उन्हीं का ठप्पा है बीजेपी का, ऐसा नहीं है।